Next question. क्वेश्चन से इज अ पार्टिकल ऑफ मास एम इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी वी मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 फाइव डिग्री विद द हॉरिजोंटल नाउ वेन द पार्टिकल लैंड ऑन द लेवल ग्राउंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन मोमेंटम विल बी हमें बताना है कि जस्ट बिफोर इटिंग द ग्राउंड जो आपका प्रोजेक्टाइल 45 फाइव डिग्री से लॉन्च किया गया है उसका चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या होगा नाउ इंटरेस्टिंग सवाल है सिंपल सवाल है सो so आपने किसी प्रोजेक्टाइल को मान लीजिए वी वेलोसिटी से लॉन्च किया है ये बात अपने को पता है कि जब वो यहाँ लॉन्च करेगा उसकी उस टाइम पे स्पीड जो है वो वापस v की वैल्यू अटेन कर लेती है लेकिन उस केस में आपकी जो v है मान लीजिए एंगल थीटा है ये वेलोसिटी ये मान लीजिए इनिशियल स्पीड u है सो इसको हम लिखते हैं u cos थीटा और यहाँ पे डायरेक्शन पर होएगी u sin थीटा वाई डायरेक्शन में और जो पार्टिकल यहाँ हिट करेगा स्पीड फिर उसकी यू होएगी इधर होएगा यू कॉस थीटा आई कैप और इधर होएगा यू साइन थीटा जे कैप नाउ हमें बताना है चेंज इन मोमेंटम का मैग्निट्यूड क्या होगा इसको पहले जनरल प्रॉब्लम करते हैं बाद में इसकी थीटा की वैल्यू 45 फाइव डिग्री एड कर लेंगे सो इनिशियल वेलोसिटी अगर देखोगे तो इनिशियल वेलोसिटी है u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो गई u cos थीटा i कैप माइनस u sin थीटा j कैप बिकॉज इस वेलोसिटी के y कंपोनेंट की डायरेक्शन अब नेगेटिव डायरेक्शन हो जाती है सो बेस्ड ऑन दिस ये अपनी फाइनल uh, वेलोसिटी हो गई अब चेंज इन मोमेंटम जो होएगा दैट विल बी इक्वल टू एम टाइम्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ये आपका चेंज इन मोमेंटम होएगा नाउ इस वी में से अगर यू का है वो माइनस करेंगे तो ये वाला कंपोनेंट हमारा कैंसिल हो जाएगा सो विच मीन्स दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस इसमें से माइनस करेंगे सो माइनस टू एम यू साइन थीठा जे कैप ये अपना इन जनरल चेंज इन मोमेंटम होता है नाउ इस केस में क्योंकि अपने को थीटा 45 डिग्री दिया हुआ है सो so सिंपली हम यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू 45 रख सकते हैं साइन थीटा 45 रखने के बाद वन बाय रूट टू हो जाता है तो वन बाय रूट टू से रूट टू कैंसिल होके तो आपका जो चेंज इन मोमेंटम आएगा डेल्टा पी उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट टू एम यू सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ चेंज इन मोमेंटम सो विच मीन्स ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम